आप कभी भी वृंदावन चले जाओ, पूरे साल बंसी ठाकुर जी के चरणों में रखी होती है, हाथ में नहीं होती। पर कभी बांके बिहारी बुलाएं, कभी मौका मिले तो शरद पूर्णिमा पर वृंदावन जाना। ठाकुर जी बाहर आकर विराजते हैं और साल में वो एक ही दिन है जब बांके बिहारी हाथों में वंशी को धारण करते हैं। किसी ने कहा कि महाराज ये एक ही दिन क्यों उठाते हैं? अरे रोज वंशी उठा लें हाथ में। किसी के पास अगर कोई बड़ा असर करने वाला शस्त्र है तो वो व्यक्ति हाथ में लिए थोड़ी घूमेगा हर समय। जिसके पास कोई शस्त्र होता है तो व्यक्ति छुपा के रखता है कि मौका मिलेगा तो निकालूंगा, कभी जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा ही समझ लो भैया, बाकी असुरों को मारने के लिए तो बांके बिहारी ने शस्त्र उठाए हैं, पर वृंदावन में शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ बंसी से ही काम तमाम कर दिया है सबका। तो ये मेरे प्रभु का शस्त्र है, रोज रोज थोड़ी उठाते हैं। कभी किसी भटके हुए को अपना बनाना होता है तो उठा लेते हैं हाथ वंशी बजा। जैसे यहाँ यमुना तट पर कदम वृक्ष के नीचे आकर वंशी प्रभु ने बजाई है कि गजब की बांसुरी बजती है या वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ या मुरली धर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, तो विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से।